नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ आलंदी। पुणे नासिक रोड पर और इंद्रायणी नदी के बाएं किनारे पर आलंदी है। आलंदी शिवाजी नगर पुणे से 21 किलोमीटर है और छिंचवड़ से वो 12-13 किलोमीटर है। संभाजी नगर से आलंदी 230 किलोमीटर है। नासिक से 190 किलोमीटर है। पुणे में पिछले 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए इंद्रायणी नदी को ये कितना पानी आया है आप ही देखिए। आप जो ये बड़ा वाला स्तंभ देख रहे हैं उसको विश्व शांति स्तंभ कहा जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा है। आषाढ़ एकादशी के दिन हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये भी बारिश में आए हैं, तो इतना प्यारा ये नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। सो अभी हम पार्किंग में जा रहे हैं जहाँ ये मंदिर की पार्किंग है वहाँ पे, और उसी रास्ते से हम मंदिर में होके जाएंगे। ये सिर्फ 2-व्हीलर पार्किंग है, 4-व्हीलर पार्किंग दूसरे साइड में है। सो आप देख सकते हैं कि आज इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि आज बहुत से श्रद्धालु स्पेशली माउली का दर्शन लेने आते हैं, क्योंकि आज आषाढ़ एकादशी है इसीलिए। बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण इंद्रायणी नदी के किनारे जाने से रोक लगा दी है आज के दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और बारिश भी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे स्लिपरी सा हो गया है और पानी आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेयरकेस के पास आ रहा है। ये जो मावली का मंदिर है वो इंद्रायणी नदी के तट पर है। हम इंद्रायणी नदी के तट पर तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पानी वहाँ पर है इसीलिए। तो चलो अभी हम जाते हैं सीधा मंदिर में, देखो तो कितनी बारिश है। यहाँ देखिए बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे आप प्रसाद और पूजा का सामान खरीद सकते हैं। बाल बाल बच गए, नहीं तो पूरा अभिषेक यहीं पे हो जाता आज तो। ये देखो मेरी प्यारी सी गुड़िया, जो भी स्टॉल पे दिख रहा था वो सब चाहिए था इसे। ये दो वो दो, ये दो वो दो, पर इतनी भीड़ थी कि कुछ लेने का और कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि हम आए हैं श्री ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि मंदिर। वो प्यारे से कमल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और इसे महाद्वार कहा जाता है। ₹1750 में काशीराव शिंदे ने ये महाद्वार बनाया था। आषाढ़ महिन्यातील एकादशीला आळंदीहून निघून पंढरपूरला ज्ञानेश्वरांची पालखी जाते। या पालखीसोबत लाखो वारकरी अंदाजे 216 किलोमीटर अंतर पायी चालत पंढरपूरला विठोबाच्या दर्शनासाठी जातात। सो आप देख सकते हैं कि महाद्वार पर कितनी प्यारी ये डिजाइन बनाई हुई है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म 1275 में हुआ था। उन्हें मराठी भाषा में उनके भक्ति लेखन के लिए जाना जाता है। वह शैवों के नाथ परंपरा से संबंधित थे, लेकिन भागवत गीता पर टिप्पणी के लिए उन्हें अधिक लोकप्रियता है, जिसे ज्ञानेश्वरी नाम से भी जाना जाता है। वह अपने बड़े भाई निवृत्ति नाथ के शिष्य थे। आलंदी मुख्य रूप से वारकरी परंपरा में एक पवित्र स्थान है, जो मुख्य देवता के रूप में पंढरपुर के विठ्ठल के साथ भक्ति दर्शन पर आधारित है। चलिए यहाँ से हम दर्शन के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है और बारिश भी हो रही है। आज का बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है क्योंकि आज आषाढ़ एकादशी है इसीलिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म सन 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपेगाँव में हुआ था। इनके साहित्य कार्य जैसे कि ज्ञानेश्वरी, भावार्थ दीपिका, अमृत अनुभव, हरिपाठ, अभंग और भक्ति कविता भी इन्होंने लिखे थे।
संत ज्ञानेश्वर महाराज की गणना भारत में महान संतों यव मराठी कवियों में होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और इनके साथ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति का परिचय कराया और समता समभाव का उपदेश भी दिया था। भावार्थ दीपिका को ही ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर मावली ने 21 साल की उम्र में ही समाधि ली थी, उसे ही हम संजीवन समाधि कहते हैं। ये मंदिर 1540-1570 के आसपास बनाया गया था। ये है गरुड़ मंदिर। तो ये है स्वर्ण पिंपल वृक्ष और अभी आप देख रहे हैं मारुति मंदिर। मावली के मंदिर का दर्शन करके हम शान दरवाजे से बाहर आते हैं। तो हमने यहाँ से शॉपिंग की, मेरे डॉल के लिए 2 डॉल भी खरीदी प्यारी प्यारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।